Assalamu alaikum, dear students and dear friends. Hope you will be fine with good health. In this video, I will discuss about an autonomic histology lecture, that is autonomic nervous system. The autonomic nervous system, or ANS, here is the part one. In this part, we will see the introduction of autonomic nervous system. What are the major types of autonomic nervous system? And although all body system contribute, the ultimately of our environmental, internal environment depends largely on autonomic nervous system. The internal environment hai hamara automatically jo kaam kar raha hai, hame nahi pata hota, heartbeat automatically set ho rahi hoti hai, respiratory system automatically work kar raha hota hai, hamara jo GIT hai, digestive system hai, automatically work kar raha hota hai, urinary system hai, reproductive system is through blood vessels and automatically adjust current blood pressures ko different environment mein. So ye basically system jo hai affect karta hai basically teen major parts ko, cheezon ko. Isme ek innervates karta hai smooth muscles ko. Smooth muscles ke baare mein aap jante hain, teen types ke muscles hote hain, skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscle. To teen types ke muscles mein se ye smooth muscle ko karta hai, yani jo striation nahi hoti. इसके बाद जो है कार्डियक मसल को भी इफेक्ट करता है, कार्डियक मसल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ग्लैंड्स को एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, जैसे कि हमारे जीआईटी के ग्लैंड्स हैं या अदर ग्लैंड्स हैं, पेंक्रियाज है, उनमें से एक्सोक्राइन एक्टिविटी है, तो गैस्ट्रिन है, डिफरेंट जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, सम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी ये स्टिमुलेट करते हैं, लाइक एड्रिनल ग्लैंड है उसको भी स्टिमुलेट करते हैं. तो हम इसके बारे में अभी देखेंगे क्या इसमें इफेक्ट्स आते हैं. Let us see the next part. In this list of contents, we will see the definition, location in the body, medical embryology, gross anatomy. Inke bare mein bhi hum discuss karenge. Gross anatomy is very lengthy part, jisme hum aage bhi next part, part 2 mein bhi isko discuss karenge. To sabse pehle jaane se pehle main ek figure aapko dikhana chahta hu. Ye aap zara dekh le please. अटेंटिवली अगर आप देखेंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी इन चीज़ों के बारे में. ये जो कलर है यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे येलो कलर दिखाया गया है जिसमें रेड कलर की ये लाइंस नज़र आ रही हैं, ये थ्रैकोलंबर रीजन से जा रही हैं. थ्रैकोलंबर यानी इसको थ्रैकोलंबर आउटफ्लो कहते हैं. ये सिंपथेटिक सिस्टम है क्योंकि सिंपथेटिक सिस्टम अराइज फ्राम द स्पाइनल कार्ड, सिंपथेटिक सिस्टम अराइज फ्राम द स्पाइनल कार्ड. तो यहाँ से जो इनकी वर्टीब्रीज हैं या गेंगलियाँ हैं या नर्व्स हैं वो अराइज होती हैं, और इनका जो है डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होता है. प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स आर वेरी शॉर्ट, जो इसके सिंपथेटिक सिस्टम के प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स आर वेरी शॉर्ट, और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स आर वेरी लॉन्ग, लेंथी हैं, लॉन्ग है इसके पोस्ट गैंग्लियनिक. हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द गैंग्लियन और ये प्री गैंग्लियन और पोस्ट गैंग्लियन क्या होते हैं, इसमें डिफ्रेंशिएट भी करेंगे. यहाँ पे जो एक सर्विकल के सामने ये एक बन रही है गैंग्लिया बन रही है, ये पैरामल्टीपरल गैंग्लियाज हैं, बोथ साइड्स बनती हैं, यानी लेटरल साइड ऑफ दी बोथ स्पाइनल कार्ड ये बनती हैं, और ये मुख्तलिफ आई के पार्ट को, लैक्रिमल ग्लैंड और ये जो अपर पार्ट है हमारे हेड एंड नेक का, इसको प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा जो नीचे वाला पार्ट है सीलिक, यहाँ पे है गेंगलिया है, जी से मुराद गेंगलिया है, और स्पीरियल मेजेंटेरिक आर्टरीज को यहाँ पे भी दे रहे हैं, स्पीरियल मेजेंटेरिक एरिया को किडनी को भी दे रहे हैं, और इन पार्ट्स को इन्फीरियर मेजेंटेरिक गैंग्लिया होता है जो नीचे वाले पार्ट्स को दे गए, हम डिस्कस करेंगे. ये देखें नीचे वाले पार्ट्स को दे रहे हैं, तो ये L1 L2 जो हैं ये नीचे वाले पार्ट्स को दे रहे हैं. इसके बाद हम बात करेंगे स्पाइनल कार्ड की. ये तो हमने बात की सिंपथेटिक सिस्टम की, जो हमारे लिए वेरी इसेंशियल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर होता है, ये काम करता है. इसके अलावा हम दूसरी बात करेंगे पैरासिम्पथेटिक सिस्टम की, जो उसके अपोजिंग काम करता है, एंटागनिस्टिक काम करता है, कुछ एरियाज में दोनों कंबाइन भी काम करते हैं, एक दूसरे के लिए एंटागनिस्टिक भी काम करते हैं. तो इसमें जो हमारे पास ये नेक्स्ट पोर्शन है जिसको हम बात कर रहे हैं वो है हमारे पास सिंपथेटिक पैरासिम्पथेटिक सिस्टम. ये जो चार क्रैनियल नर्व्स हैं, थर्ड क्रैनियल नर्व, सेवंथ क्रैनियल नर्व, नाइन्थ क्रैनियल नर्व एंड टेंथ क्रैनियल नर्व जो हैं ये अराइज होती हैं और ब्रेन से, यानी इसके पार्ट्स हैं हाइंड ब्रेन से और कुछ मिड ब्रेन से ये स्टार्ट होती हैं, और ये सिल्वी गैंग्लियन है, ऑटिक गैंग्लियन है, टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन है, ये डिफरेंट एरियाज में सप्लाई करेंगी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी हेड एंड नेक को देंगी, फिर अब थोरेक्स कैविटी में देंगी, हार्ट को देंगी, लंग्स को देंगी, फिर स्टोमिक अबडोमिनल में चली जाएंगी, फिर लोअर पार्ट में काफ़ी लंबी
जो है लंबी ये नर्व है, 10th cranial nerve जिसे vagus nerve भी हम कहते हैं, और यहाँ जो है आखिरी पार्ट तक देती है। इसके बाद जो S2, S3, S4 जो हैं ये spinal nerves हैं basically, लेकिन ये segments जो arise होती हैं ये काम करती हैं ब्लू कलर में जो दिखाई गई हैं, parasympathetic system की दिखाई गई हैं, और ये पार्ट जो है नीचे lower part को जो supply करती हैं nerves। तो इससे आपको pelvic, splenic nerves भी हैं इसको कहा जाता है। तो ये आगे हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। बहरहाल आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया, ये यहाँ पे दो कलर दिखाए गए हैं, एक ब्लू कलर है एक है रेड कलर। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट। इसमें जो हमारे पास सम फैक्ट्स अबाउट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स सर्टन बॉडी प्रोसेसेस सच एज ब्लड प्रेशर, जैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, रेट ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल करना। दिस सिस्टम वर्क्स ऑटोमेटिकली ऑटोनोमसली विदाउट ए पर्सन कॉन्शियस एफर्ट, कि अपनी कॉन्शियसनेस नहीं होती, मोटर एक्टिविटी जो है ऑटोमेटिकली उसको कंट्रोल कर रही है। हम उन्हें नहीं कहते कि हार्ट रेट कम हो जाओ, हार्ट रेट बढ़ जाओ, डिपेंड्स ऑन द नेचर, जो एनवायरनमेंट के मुताबिक हमें कंपीट करना होता है, होमियोस्टेसिस के मुताबिक काम करना होता है, तो वो हमें खुद ब खुद एडजस्ट करते रहते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कैन अफेक्ट एनी बॉडी पार्ट और प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने एक फिगर यहाँ पे दिखाई है, आप जरा इसको गौर से देखें, सिंपैथेटिक सिस्टम की और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम, ये लिखा हुआ है पैरासिंपैथेटिक सिस्टम है, दिस इज द सिंपैथेटिक सिस्टम। तो पहले सिंपैथेटिक सिस्टम को देखेंगे जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होगा, थोरेक्स कैविटीज हैं, ये अराइज होता है लंबर एरिया से, थोरेको लंबर एरिया कहा जाता है, आउटफ्लो कहा जाता है। ये जो नर्व्स आपस में मिलती हैं, गैंग्लियन बनाती हैं, इनमें अपर जो है पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन होती हैं और लोअर यहाँ से जो आगे जाती हैं इसके आमने सामने होती हैं, उसको पेरीवर्टिब्रल गैंग्लियन्स कहते हैं, जो डिफरेंट एरियाज में ये प्रोवाइड करती है। सो सिंपैथेटिक इज फॉर सिंपैथी, ये बॉडी के बिल्कुल करीब है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इज वेरी क्लोज टू द हार्ट, बिल्कुल सामने आमने सामने। और इसके जो प्री गैंग्लियन फाइबर्स हैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये लंबे होते हैं, इसके लंबे प्री गैंग्लियन फाइबर जो है पैरासिंपैथेटिक के लेंथी होते हैं, बल्कि जो पैरासिंपैथेटिक के हैं वो शॉर्टर होते हैं प्री गैंग्लियनिक, और जो पोस्ट गैंग्लियनिक के वो लंबे होते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे देखेंगे ये क्रेनियल नर्व्स हैं, 3rd, 7th, 9th and 10th क्रेनियल नर्व जो है ये सप्लाई करती हैं डिफरेंट पार्ट्स को दिखाया गया है, और ये सेक्रल जो नर्व हैं 3 और 4 जो तीन आती हैं, ये समटाइम 2 भी यहाँ पे शो किया गया है। तो ये यूनानी ब्लैडर, जेनिटीलिया, डिस्ट्रल कोलन एंड रेक्टम को प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह अगर हम इधर बात करें तो डायलेटर, पेपीला, स्वेट ग्लैंड्स, ब्लड वेसल ऑफ द हेड, ये अपर पोर्शन जो है पैरावर्टिब्रल आगे देती हैं। तो लिहाजा इसके बाद स्वेट ग्लैंड, ब्लड वेसल्स, अपर लिम्ब, हार्ट, ब्रोंकाइल, लंग्स, स्टोमिक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टीन, सुप्रारेनल ग्लैंड को भी ये प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसको स्टिमुलेट करेंगे तो वहां से एड्रेनालिन या नॉरएड्रेनालिन जो है रिलीज होगा जो आगे इफेक्ट करेगा। और कोलन को देंगे, रेक्टम को, यूनानी ब्लैडर को, स्वेट ग्लैंड्स को, और इस तरह ब्लड वेसल्स को, लोअर लिम्ब्स को भी देते हैं। तो ये शॉर्ट इसके बारे में थोड़ी सी आगे इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सिस्टम। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर PNS कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम कहते हैं जो CNS से नीचे चला जाए उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, यानी वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं रहते, वहां से नर्व्स अराइज होती हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ आ जाती हैं, इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहेंगे, कि वो सेंटर में नहीं है बल्कि और पेरिफेरी में चली गई, कहीं और साइड पे चली गई, तो उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहेंगे। PNS भी कहते हैं, या विसरल नर्वस सिस्टम भी, इसको आगे पढ़ेंगे जब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आएगा तो उसको कहेंगे। कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स, एक तो क्रेनियल नर्व इसका काम करती हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, और स्पाइनल नर्व्स भी काम करती हैं और गेंगलिया भी इसमें काम करते हैं, तो फाइबर्स भी होते हैं और गेंगलिया भी होती हैं, ये काम करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सब डिवाइडेड इन टू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड करते हैं। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इंटरेक्ट नर्वस सिस्टम भी इसमें शामिल किया गया है जो आगे हम डिस्कस करेंगे मजीद। और सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यूजुअली इज डिफाइंड एज ए मोटर सिस्टम, ये जहन में रखें, दिस इज द मोटर सिस्टम। मोटर हम उनको कहते हैं कि कुछ चेंजेस कर सकता हो, ब्लिंक ऑफ आई कर सकता हो, डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल हो सकती हो, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल हो सकती हो, मोटेलिटी प्रेस्टेलिटिक मूवमेंट हो सकती हो, सिक्रीशंस हो सकती हैं, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड की जो सिक्रीशंस होती हैं वो हो सकती है, तो वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है।
वो मोटर एक्टिविटी देते हैं। सारे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है मोटर सिस्टम है, ये आप जहन में रख लें। मोटर सिस्टम हम कहेंगे विसरल जो है वो विसरल ऑर्गन्स को, विसरा को ये प्रोवाइड करती हैं, इनर्वेशन देते हैं, नर्व सप्लाई को कहते हैं। इनर्वेशन का मतलब नर्व सप्लाई, समटाइम डुअल नर्व सप्लाई होती है, समटाइम वन सिंगल होती है। तो इनर्वेट्स थ्री मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज इंक्लूडिंग कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स। ये तीन मेजर याद रख लें, कार्डिक मसल को ये देती हैं, स्मूथ मसल्स को ये देती हैं और ग्लैंड्स को भी देती हैं। तीन मेजर जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये लाजमी आपने देखने हैं, चेक करने हैं, याद रखने हैं। इसके बाद हम जाते हैं डेफिनेशन, मेडअप ऑफ ट्रांसमिशन पाथवेज कैरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन द CNS एंड एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट्स को कवर करते हैं। ये बेसिकली ए फ्रेंड सेंसरी पाथवेज होते हैं कैरी इन्फॉर्मेशन को CNS, ये CNS की तरफ लेके जाते हैं इन्फॉर्मेशन, उसे ए फ्रेंड कहते हैं या सेंसरी कहते हैं, जो कि कुछ काम कर नहीं सकते, मोटर एक्टिविटी नहीं कर सकते, सिर्फ टच की सेंस जो है वो ब्रेन तक दे देते हैं, या किसी भी किस्म की प्रेशर की हो सकती है, पेन की हो सकती है, ये ए फ्रंट सेंसरी पाथवेज ने कहते हैं। इसके बाद ई फ्रंट जो है मोटर पाथवेज होते हैं। मोटर से मुराद है कि कोई तब्दीली कर देना, कोई चेंजेस ला देना, लेके आना उसके अंदर, जो ब्लड वेसल्स के अंदर हो सकती है, किसी इंटेस्टाइन में हो सकती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो सकती है, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम में हो सकती है, मल्टीपल अदर सिस्टम जो है रिलेटेड टू दिस वो उनमें हो सकती है। कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द CNS इंक्लूड्स क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स हैं, स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स हैं, बेसिकली वहाँ इनको सप्लाई करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम जो है कंसिस्ट ऑफ CNS ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, PNS क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, एंड ANS आर सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक सिस्टम, और ये भी अराइज होता है, और इसमें डायरेक्ट नर्वस सिस्टम को भी शामिल किया गया है। Now we look towards the somatic and autonomic nervous system के दरमियान थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, what is the difference between the two system, इनको कैसे हम देखेंगे। somatic system जो है basically nervous system skeletal muscles पर मुश्तमिल है, जहाँ पे skeletal का मतलब bones वाली जो हड्डियाँ हैं उनके साथ जो muscles होते हैं हमें चलने में, भागने में, यानी voluntary control वाली जो होती हैं, अपनी मर्जी से हम control करते हैं, ज़्यादातर जो muscles हैं वो इसको control करते हैं, somatic nervous system करता है, और direct brain से जो नर्व है वो उन टिश्यू तक जाती है, स्केलेटल मसल तक जाती है। इसमें ऑटोनोमिक में देखें तो स्मूथ एंड कार्डिक मसल एंड ग्लैंड्स होते हैं, तीन जो सिस्टम है ये मेजर हैं। इसके बाद कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस मूवमेंट को भी कंट्रोल कर सकता है, ये अनकॉन्शियस रेगुलेशन करता है, यानी हमें पता नहीं चलता, ऑटोमेटिकली अंदर से इंटरनल एनवायरमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट्स, ये कंट्रैक्ट कर सकता है, और टारगेट टिश्यू स्टिमुलेटेड आर इनिबिटेड, या तो स्टिमुलेट कर लेते हैं या इनिबिट कर सकते हैं, दो रास्ते इनके पास। वन सिनेप्स होता है, इसमें एक सिनेप्स होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा एंड तक खत्म होगा, कोई इसमें दरमियान में गैंग्लिया नहीं है। इसमें टू सिनेप्सिस होंगे, एक जो है प्री गैंग्लियानिक कहलाएगा, एक पोस्ट गैंग्लियानिक इसको कहेंगे। एसिटाइलकोलीन इज द मेजर सोमेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, या न्यूरोट्रांसमीटर है ये जो एसिटाइलकोलीन है, और यहाँ पे जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स एसिटाइलकोलीन होता है, इसमें भी पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स जो है पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स एसिटाइलकोलीन होता है, या नॉरएपिनेफ्रीन हो सकता है। तो लिहाजा यहाँ पे हम देख सकते हैं सेंट्रल सोमेटिक न्यूरॉन्स हैं, डायरेक्ट पाथवे मसल तक चले जाएंगे स्केलेटल मसल्स के साथ। ऑन द अदर हैंड सेंट्रल ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स हैं, इसमें ऑटोनोमिक गैंग्लिया ये बना रहे हैं, दरमियान में दो सिनेप्स बनाते हैं, प्रीपोस्ट गैंग्लियनिक फिर इससे निकलेगा आगे, फिर जाके विसरल ऑर्गन को, उसमें ग्लैंड हो सकते हैं, कार्डिक मसल हो सकते हैं, या स्मूथ मसल्स हो सकते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू सिस्टम। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे एक और पाथवे हम दिखाते हैं आपको CNS का। CNS कंटेन स्पाइनल कार्ड और ब्रेन क्रेनियल नर्व्स, इसमें से पाथवे से जो निकलती हैं और डायरेक्ट जो है मसल तक अगर चली जाए, ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम होगा। सोमेटिक नर्वस सिस्टम से क्या होगा कि स्पाइनल नर्व्स हैं या कहीं भी सोमेटिक नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन्स हैं, वेंट्रल रूट्स हैं, डायरेक्ट मसल तक चले जाएंगे या ब्रेन से चले जाएंगे, तो उसे सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहेंगे। इसके बाद जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ये कंसिस्ट ऑफ बेसिकली इसमें प्री गैंग्लियनिक एक्सॉन्स होते हैं, प्री गैंग्लियनिक गैंग्लिया से पहले, दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमिक गैंग्लिया, दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमिक गैंग्लिया, और इसमें सिनेप्स बनाते हैं। गैंग्लियनिक न्यूरॉन सेल बॉडी होती है, आपस में सिनेप्स बनाते हैं,
ऑटोनोमिक गेंगलिया है और पोस्ट गेंगलियनिक एक्सॉन्स हैं या फाइबर्स हैं। इसके बाद किसी भी मसल के साथ, ग्लैंड के साथ, विसरल ऑर्गन के साथ, इंटेस्टाइन के साथ, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के साथ ये अटैच होंगे जाके वहाँ पर और उनकी स्टिमुलेशन करते हैं। तो दिस इज द पाथवे डिफरेंस बिटवीन द टू, जिसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम को भी दिखाया गया है जो स्केलेटल मसल में जा रहा है और स्मूथ मसल में जो जा रहा है प्री गेंगलियनिक और पोस्ट गेंगलियनिक फाइबर यहाँ पे जा रहे हैं। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अंडरस्टैंड करें इसको। देन वी गो टुवर्ड द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज एक्सक्लूसिवली मोटर सिस्टम। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सक्लूसिवली मोटर सिस्टम है। सेंसरी भी कुछ एक्टिविटीज होती हैं लेकिन ज़्यादातर ये मोटर सिस्टम का हिस्सा है, यानी उनके अंदर चेंजेस कर सकता है, उनकी स्टिमुलेशन काज कर सकता है, इनहिबिशन काज कर सकता है, कंट्रोलिंग एक्टिविटी ऑफ द कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड ग्लैंड्स। इसके बाद इट मेंटेन्स अ रिलेटिवली स्टेबल एनवायरनमेंट बाय रेगुलेटिंग सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड अदर फंक्शन नॉट यूजुअली सब्जेक्ट टू अवर कॉन्शियस कंट्रोल, जो हमारी अपनी मर्जी के कंट्रोल में नहीं होते, उन सिस्टम को ये कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट वी गो टुवर्ड द लोकेशन ऑफ द ANS। वेयर आर दीज लोकेटेड? ऑटोनोमिक नर्व पाथवे इन्वॉल्व्स टू नर्व सेल्स, उसमें आपको बताया टू नर्व सेल्स होते हैं, प्री गैंगलियनिक फाइबर्स होते हैं, पोस्ट गैंगलियनिक फाइबर्स होते हैं। दीज डिफरेंशिएट फ्रॉम द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जहाँ पे एक फाइबर आता है डायरेक्ट उस मसल स्केलेटल मसल तक चला जाता है। वन सेल इज लोकेटेड इन द ब्रेन या स्पाइनल कार्ड में होता है। इट इज कनेक्टेड बाई नर्व फाइबर टू अदर सेल विच इज लोकेटेड इन ए क्लस्टर ऑफ नर्व सेल्स कॉल्ड ऑटोनोमिक गैंगलिया, जिसको ऑलरेडी मैं शो कर चुका हूँ। नर्व फाइबर फ्रॉम दीज गैंगलिया कनेक्ट विद द इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल ऑर्गन्स के साथ ये कनेक्ट करते हैं जो नर्व इसकी पोस्ट गैंगलियनिक फाइबर्स होते हैं, जिसमें ये ऑटो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे और रिसेप्टर के ऊपर जाके एक्ट करेंगे। नेक्स्ट वी गो टुवर्ड द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ दीज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। डेवलपमेंट ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS प्रोसीड्स इन ए स्टीरियोटाइप्ड मैनर फ्रॉम द माइग्रेशन ऑफ द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स फ्रॉम द पर्टिकुलर रेट्रो रोस्ट्रो कॉर्डल लेवल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड टू ग्रोथ ऑफ द एक्सॉन्स टू द थ्रू देयर पेरिफेरल टारगेट्स। ये साफ जाहिर है कि CNS जैसे बनता है उसी तरह पेरिफेरल नर्व्स भी CNS का हिस्सा है, तो वहाँ से बनती हैं। तो जैसे हमने CNS में डिस्कस किया था कि कैसे उनकी न्यूरल क्रेस्ट से ये बनते हैं, सेल से माइग्रेशन होती है और इनसे रोस्ट्रो जो कॉर्डल एरिया होता है, ऊपर वाले एरिया को रोस्ट्रो कहेंगे, नीचे वाले कॉर्डल एरिया में लेवल में ये स्पाइनल कॉर्ड तक ग्रोथ होती हैं और ये पेरिफेरल टारगेट्स तक चली जाती हैं, बनती रहती हैं। डेवलपमेंट की बात करें, टू मेजर पोर्शंस विच आर एनाटोमिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट हैं। सिंपैथेटिक थोरैकोलंबर है रीजन से अराइज होता है एनाटोमिकली अगर देखा जाए, फंक्शन के लिहाज से देखा जाए, फिजियोलॉजिकली देखा जाए तो इसमें सिंपैथेटिक जो है हमारी सिंपैथी करता है, हमारी हमदर्दी करता है, वो थोरैकोलंबर एरिया में से आएगा। थोरैकोलंबर से मुराद है कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होगा, दैट इज अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज वेरी क्लोज टू द बॉडी, नियर टू द बॉडी। अगर हेड की तरफ देखें, हार्ट के बिल्कुल करीब जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसलिए सिंपैथी में, इमरजेंसी में ये ज्यादा काम करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम दैट इज क्रेनियो, यानी हेड से, क्रेनियम से आता है और सैक्रल रीजन से जो है इसकी स्पाइनल कॉर्ड की सैक्रल कुछ वर्टिब्रीज हैं, वहां से नर्व्स निकलती हैं, तीन नर्व्स हैं वहां से अराइज होती हैं, तो उनको ये प्रोवाइड करते हैं। दे आर ऑल्सो इसेंशली अ टू चेन सिस्टम प्री एंड पोस्ट गैंगलियन फाइबर्स पर मुश्तमिल। ये भी ऑलरेडी बात हो चुकी है कि ये एक सिंगल चेन नहीं होता, इनमें दो चेन होती हैं, एक को हम प्री गैंगलियनिक कहते हैं, एक को पोस्ट गैंगलियनिक फाइबर्स कहते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सेल्स फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट एंड वेंट्रल पोर्शन ऑफ द न्यूरल ट्यूब ऑफ दिस थोरैसिक रीजन माइग्रेट ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, आइदर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं टुवर्ड्स रीजन जस्ट बिहाइंड द डॉर्सल एओर्टा, जैसे डॉर्सल एओर्टा आती है एट अबाउट वीक फाइव ऑफ डेवलपमेंट, ये फिफ्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट में ये सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, तकरीबन कंप्लीट हो जाते हैं। माइग्रेटिंग सेल्स फ्रॉम फॉर्म टू चेन्स ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, और ये टू चेन्स बना देते हैं उनके, आगे हम डिस्कस करेंगे। पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज लेस एक्सटेंसिव देन सिंपैथेटिक सिस्टम, ये लेस एक्सटेंसिव है, ज्यादा जो वर्क करता है सिंपैथेटिक सिस्टम है। प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स अराइज ओनली इन सर्टेन सेंटर्स ऑफ सेरेब्रल ट्रंक एंड इन सैक्रल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इट इज कॉल्ड क्रेनियोसैक्रल पोर्शन ऑफ द ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के क्रेनियोसैक्रल पोर्शन। प्री गैंग्लियनिक नर्व्स ऑफ PASNS SNS फॉलो पाथ ऑफ स्पेसिफिक क्रेनियल नर्व्स लाइक ऑक्यूलोमोटर
This is the nerve for eye movement. Motor से मुराद oculo को मतलब ocular कहते हैं eye को. Motor मुराद eye की movement में help करते हैं. Facial face के लिए जो होती हैं, face के लिए जो होंगे seventh cranial nerve. Glossopharyngeal ninth cranial nerve है. ये भी pharynx को और हमारे tongue को जो है ये provide करती हैं. Vagus nerve that is very critical and very fast. और एक जो है टेंथ क्रैनियल नर्व है ये तकरीबन तमाम एरिया को जो वो प्रोवाइड करती हैं एब्डोमिनल थोरैक्स से पेल्विक रीजन को भी कुछ देती हैं. तो दूसरा एक पोर्शन होता है जिसको हमने नाम दिया है कि अदर जो पोर्शन होगा दे फॉलो सेक्रल स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम सेगमेंट S2 S3 एंड S4 स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होता है वहां से ये फॉलो करते हैं. तो दो चीजों के बारे में हमने देखा उनकी जो एम्ब्रियोलॉजी है वो कैसे बनी है. नेक्स्ट वी गो टुवर्ड द ग्रॉस नॉटमी. इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द एएनएस का क्या है बेसिकली ग्रॉस नॉटमी इसकी क्या है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसको आपने क्लियरली समझना है क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही क्रिटिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और आगे जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आप पढ़ते हैं सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पढ़ते हैं वो डिपेंड्स ऑन दिस नॉटमी. Morphologically, ANS is divided into central and peripheral parts. Functionally, the ANS is divided into sympathetic, SNS, and parasympathetic nervous system. Par mushtamil hote hain. ANS innervates smooth muscles, wall of the blood vessel, wall of the hollow organs. Jaise hum pehle baat kar chuke hain, intestine hai, stomach hai, lungs hai, heart hai, to hollow organs hai, smooth muscle unko dete. फिर कार्डिक मसल जो हैं ये इनको भी देते हैं स्पेशल मसल्स होते हैं कार्डिक मसल. ग्लैंडुलर जो सेल्स होते हैं यानी ग्लैंड्स हम बात कर रहे हैं उनको भी ये प्रोवाइड करते हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी हो सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हो सकते हैं स्वेट ग्लैंड्स भी हो सकते हैं. तो इन चीज़ों को आपने लाजमी समझना. नेक्स्ट वी गो टुवर्ड्स द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. सब डिवीजन कैसे करेंगे इसमें तीन मेजर पार्ट्स हैं जो हम डिवीजन करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड इंटरेक्ट नर्वस सिस्टम. तीनों को अलग एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में. ऑल सिस्टम हैव जनरल विसरल एफरेंट और जनरल विसरल एफरेंट दोनों कंपोनेंट्स होते हैं यानी एफरेंट वाले भी होते हैं जो मोटर एक्टिविटी रखते हैं और एफरेंट वाले भी होते हैं जो कि सेंसरी एक्टिविटी रखते हैं. और इसमें प्राइमरीली कंसिडर्ड ए टू न्यूरॉन चेन मोटर सिस्टम जिसमें प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक जो फाइबर्स हैं वो बनेंगे. जनरल पाथवे ऑफ नर्व प्री गैंग्लियनिक गैंग्लियनिक एंड पोस्ट गैंग्लियनिक हम बात करेंगे. यू कैन सी द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. नाउ वी सी अगेन द डिफरेंस बिटवीन द सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इन विच सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंटेन्स ये नर्व जो है ब्रेन से आ रही है और ये सिंगल न्यूरॉन फ्रॉम CNS टू इफेक्टर ऑर्गन की तरफ जा रही है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है क्योंकि CNS से जो क्रॉस हो जाएगी चीज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से वो बाहर जब निकलेगी तो उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कह देंगे. जो उसके अंदर रहेगी उसको पेरिफेरल नहीं कहेंगे ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर. इसके बाद यहाँ पे एसिटाइलकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर होगा. ये स्केलेटल मसल को स्टिमुलेट करते हैं एक्टिवेट करते हैं मसल की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं. इसके बाद सिंपथेटिक सिस्टम और पैरासिंपथेटिक सिस्टम की बात करते हैं. सिंपथेटिक सिस्टम जो है यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इनकी बॉडीज होती हैं सेल बॉडीज. ये जब एसिटाइलकोलाइन न्यूरॉन सिस्टम है ऑलरेडी बता चुके हैं लाइट मेलिनेटेड प्री गैंग्लियनिक एक्सॉन्स होते हैं इसके जो दोनों के और यहाँ पे लाइटली मेलिनेटेड प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स ये दोनों का डिफरेंस देख लेना. इसमें गैंग्लियन में एसिटाइलकोलीन होगा सब में एसिटाइलकोलीन है गैंग्लियन तीनों में एसिटाइलकोलीन है. एसिटाइलकोलीन विल बी रिलीज्ड एसिटाइलकोलीन इन दी एडिनल मेडुला में भी ये रिलीज होगा जहाँ पे एडिनलिन रिलीज होती है एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होते हैं एडिनल मेडुला में. और यहाँ पे ब्लड वेसल्स में ये रिलीज हो जाते हैं हार्मोन और जाके स्टिमुलेशन करते हैं. और नॉन माइलिनेटेड पोस्ट गैंग्लियनिक एक्सॉन्स नॉन माइलिनेटेड है ये माइलिनेटेड है शुरू वाले ये नॉन माइलिनेटेड है सेकंड जो पोस्ट गैंग्लियनिक है. और नॉर एपिनेफ्रीन इसमें स्टिमुलेटरी भी हो सकती है इनहिबिटरी भी हो सकती है. तो इसमें हार्ट में भी दे सकते हैं सारे मसल्स में ये दे सकते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड जो हमारे पास है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम लाइटली माइलिनेटेड है ये भी लाइटली माइलिनेटेड है प्री गैंग्लियन सेम है इनकी लेकिन यहाँ पे नॉन माइलिनेटेड है नॉन माइलिनेटेड है. और एसिटाइलकोलीन है यहाँ पे एसिटाइलकोलीन विल बी रिलीज इन द लास्ट लेकिन इनके रिसेप्टर्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे यानी इसमें मस्करिनिक रिसेप्टर या निकोटिनिक रिसेप्टर्स होंगे. यहाँ पे जो है
nicotinic receptor will be there. There's a two types of nicotinic receptors ki bhi, nicotinic A and nicotinic B receptors. तो क्योंकि निकोटीन से ये मिलते जुलते हैं, जैसे सिगरेट में ये होते हैं निकोटीन, तो उसकी वजह से क्योंकि इनकी स्टिमुलेशन हो जाती है, एगोनिस्ट एक्टिविटी रखता है, तो इसलिए इसका नाम निकोटीनिक रखा गया. मस्करीन क्योंकि मस्करीन अल्कलाइड है तो मस्करीन के नाम से लिया गया, तो मस्करीनिक रिसेप्टर्स क्योंकि उनको फॉलो करते हैं तो यहाँ पे उनको स्टिमुलेशन करेंगे. तो लिहाजा ये पैरासिम्पेथेटिक वाला आइदर मे बी मस्करीनिक और निकोटीनिक. तो लिहाजा आगे देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन में. The autonomic nervous system, ANS, or visceral nervous system भी कहते हैं. Visceral nervous system, VNS, is the part of PNS, peripheral nervous system का part है. That acts as a central system functioning largely below the level of consciousness and control function. Responsible for control of involuntary or visceral body function, bodily function, cardiovascular, respiratory, digestive, urinary, reproductive function भी होता है. Key role in the body's रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस में भी बड़ा इनका बहुत बड़ा रोल है, इंपॉर्टेंट. दिस इज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सब डिवीजन. अगेन यहाँ पे आई हैव गिवन द फिगर टू अंडरस्टैंड दीज टू मेजर सिस्टम्स, जिसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है. ऑलरेडी आई हैव डिफाइंड एंड एक्सप्लेन दीज सिस्टम कि इनके जो नर्व्स हैं क्रेनियोसैक्रल रीजन से आती हैं. ये ब्लू में जो है पैरासिम्पेथेटिक दिखाया गया और कहाँ का ऑर्गन्स में जाते हैं क्लियरली यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. और यहाँ पे जो है ग्रीन कलर में दिखाया गया है ये स्पाइनल कॉर्ड्स नहीं आती हैं, सिंपैथेटिक गैंग्लिया है और कुछ इसमें प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया है. इनका डिफरेंस आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे यहाँ टाइम नहीं है. तो यहाँ पे आई को, स्किन को और मुख्तलिफ ऑर्गन्स को देंगे. आप इसको फिगर को गौर से देखेंगे तो आप दोनों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. लेट अस सी टुवर्ड्स द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. इसके बैक साइड पे हम देखते हैं, यहाँ तक हम इसको एंड कर लेते हैं, फिर अगला जो पोर्शन है वो बाद में करेंगे. थैंक यू वेरी मच.